गुरुग्राम के सेक्टर 35 में नमाज पढ़ने के विरोध में मुद्दा प्रदेश में गर्म है और राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को निपटाने के लिए मीडिया में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि खुले में नमाज पढ़ना कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नमाज या कोई भी पाठ पूजा धार्मिक स्थलों पर ही की जानी चाहिए। उन्होंने जिला प्रशासन को सख्त आदेश दिए हैं कि मुस्लिम काउंसिल के साथ मीटिंग कर वक्त बोर्ड की जमीनों पर नमाज अदा करने की व्यवस्था की जाए। बता दें कि साइबर सिटी के सेक्टर 35 में खुले में नमाज करने पर दो गुटों में आपसी तनाव बढ़ गया था। इस मौके पुलिस भी मौजूद थी। अब दोनों गुटों की सहमति से आगे की बात होगी और धार्मिक स्थलों के बिना कहीं भी पाठ पूजा या नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, जिसके लिए जिला प्रशासन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गुरुग्राम से एमके शाइना, मीडिया एक्शन टीवी। कहा है कि इस विषय को रिजॉल्व करना है और रिजॉल्व करने में हर कोई अपनी जगह पर, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा तब्दील करता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारी चीज धार्मिक स्थल इसीलिए बने होते हैं कि वहां जाकर के करें। खुले में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। ये नमाज पढ़ने की जो प्रथा यहाँ खुले में हुई है, ये कतई भी सहन नहीं की जाएगी। लेकिन इसमें से उन साथ बैठ करके एमिकेबल सोल्यूशन निकाला जाएगा। उन्होंने भी कहा कि बहुत सी हमारे पास जमीनें हैं जहाँ हमें अनुमति दी जाए, या कुछ जमीनें ऐसी हैं जो उनकी अपनी जमीन होगी या वक्फ की होगी, उसमें कहीं एनक्रोच एरिया है, वो भी कैसे उनको उपलब्ध कराया जा सके, और या फिर अपने घर में नमाज पढ़े, खुले में नमाज पढ़ करके। और ये आपसी टकराव भी है, नहीं होना चाहिए इसको, किसी यानी हालत में टकराव नहीं होने देंगे। कुछ बैठ करके बातचीत करके आपस में फैसला भी किया था, लेकिन वो फैसला भी कई स्थान जो रिजर्व कर दिए गए थे उसको हमने वापस ले लिया है। अब नए सिरे से सारी बातचीत करके और उनको उनके हिसाब से, यानी सबको फैसिलिटी मिले, कोई किसी के अधिकारों में हस्तक्षेप न करे, लेकिन जबरदस्ती वो किसी